कौन कही पुणा कथा ए ना ये शब्द टी सब व्यवहार करने को जरूरी तथा गोटे पुणा बो काम ख्याल करी गोटे आईआईसी थिले आर उदयगि से नॉन क्रिश्चियन लोक मत जब नमस्कार कर हटात कह जय जीशु अर्थात यह गोटे काम ख्याल ना भी कह पाई लोक साधारण भाव भी बेले बेले ए ना को व्यवहार करु बाइबल लिखा अकारण रे परमेश्वर नाम ने हम ना आर महत्व आर गुरुत्व जीशुंकर गुरुत्व महत्व को मुं को सात प्रकार भाव जीशुर मर्म को कह जीशुर मर्म सात प्रकार मर्म प्रेज द लॉर्ड भाई बोलने यह सब दिन जीशु आम जानु तथा तातर द्वित अक्षर भितर आत प्रकार मर्म अंतर्निहित अच्छी यहा मान को जानवाक हम केवल जान ले जथेष नुहे जीशु जन्म हेले आने उठिले स्वर्गारोहण कले पी पुनर्वार आसवे आर रहस्य को आम मान को जानवा अनेक लोग धारणा जी जीशुंर अष्टम दिन जन्मर अष्टम दिन सुन्नत कले बोली भावुच किंतु सुन्नत करा जाए ना कह आपण को सुन्नत करा जाए पारिबना कारण सुन्नत विधि सुन्नत प्रथा प्रभु जीशु ख्रीष्टंग ठारु उठाई दिया जीवा जदि जीशु सुन्नत हेबे मते आपण को समस्त को सुन्नत हेबा को पड़ो व्यतिक्रम बिलकुल करीशु जत डुबन ने कहले प्रकार भाव समस्त धर्म कर्म साधन करवा आम कर्तव्य आ मान को ने पड़ डुबन जदि सुन्नत जीशु हेते आम भी सुन्नत होगा को पड़ता तेणु बाइबल नूतन नियम ख्रीय अहस्तकृत सुन्नत बोली लिखा अर्थात ख्रीष्टंकर सुन्नत हस्तकृत नुह चर्म छेदन सुन्नत नुह कलसी दुई पर्व एगार पद को शुणु जेत बड़े जीशु को नामकरण दिगला अहस्तकृत सुन्नत गोटे जीशु द्वारा दुनिया को आसला प्रिय भाई बने समस्त सुन्नत दरकार पवित्र दरकार निर्मल दरकार मोक्ष दरकार मुक्ति समस्त दरकार उद्धार पंथा केवल जीशु द्वारा आउ कहा द्वारा आसी ना तेणु ख्रीय सुन्नत अहस्तकृत सुन्नत अर्थात ख्रीय सुन्नत बोली आपको कह जाए सुन्नत मोर अधिका कहबार ना कारण चर्म छेदन जहार होना से असुन्नत किंतु बाइबल लिखा कर्ण भी असुन्नत हृदय भी असुन्नत हेले कर्ण कौन ए बाह्य कर्ण को काटिकी छेदन करदी ए बाह्य कर्ण को काटी छेदन कर हृदय जेते बड़े असुन्नत हृदय केमिति करी छेदन करिवे तेणु पवित्रता को कहा जाए सुन्नत तेणु प्रिय भाई मैंने सुन्नत अर्थ को आ मु व्याख्या करनी करने को चाहूँ जीशु
लुक दुई पर्व एक नंबर आरंभ करने पूर्व सुन्नत देवार पिला मानू सुन्नत देवार समय जत आसला से सुन्नत कले बोली लेखा न जाए नामकरण कले बोली लेखा से ही नाम जीशु ताकू कह जाए से ही नाम जीशु तेणु सबुब परिचय से देखते नूतन नियम आरंभ जीशुंर परिचय नूतन नियम शेष पर्यंत जीशु नाम परिचय अच्छी अर्थात प्रथम परिचय माथ्यु एक पर्व एक पद देख से नाम एक जहीं परित्राण अच्छी मनुष्य मान उधार विपद उधार जने जन को करे विपद उधार जेल दंड रु मुकुलाई जागतिक भाव जने जन को करे कि पापर बंधन मोह मायार बंधन रु ए संसार जो मोह माय अच्छी देवता हेले मध्य संसार मोह मायारे जाल पड़ीजार संभावना अच्छी एथिरु रक्षा करिबा पाई एथिरु उद्धार करिबा पाई कौनसी व्यक्ति नांदी केवल त्राणकर्ता प्रभु जीशु अटंती जेतेबेले से परिचय देले साउलंगो साउल कहिले आपण किए सेतेबेले कौन कहते प्रेरित नौ पर्व तीन रु पांच किंतु एमती बुझंदु नाही आमे जीशु मंडली गण को कहोचु बुझंदु नाही तेउ प्रभु जते बेले धांगर परिचय दियंती केवल जीशु नाम रे परिचय दियंती प्रिय भाई बहन माने कारण ए नाम को जीशु नाम कहिबा पाए आगरु परमेश्वरंकर दूत एहा संदेश दैथि पांच जन को जीशु संगरे मिसी जन्म हेबा पूर्व नाम दिया जाए थिला नाम घोषणा करा जाए थिला प्रथम व्यक्ति होचंदि जीसा द्वितीय व्यक्ति होचंदि जोसिया आओ तृतीय व्यक्ति होचंदि सोलोमन चतुर्थ व्यक्ति होचंदि दुबक जहन पंचम व्यक्ति जीशु ख्रीष्ट तेणु परमेश्वर द्वारा नाम दत्त
ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ତାର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମର ରହସ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା କହିବି। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କି ଯୀଶୁ କଣ କି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଯୀଶୁ ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦମାନ ଆ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଯୀଶୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନାମ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଥେଷ୍ଟ ତାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ତାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥିଉ 21 ପର୍ବର 10-11 ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜନତା କମ୍ପି ଗଲେ। ଯୀଶୁ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଗୋଟେ ଗର୍ଦ୍ଧ ଛୁଆ ଉପରେ ବସିଛି। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଲୋକ କଣ ବଡ଼ ବାହନରେ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କୋଉଠି ଆସିଲେ? ଓଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ଚାଲି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାଇକରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହନ ବାଇବଲ ଅଛି, ଅଗ୍ନି ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ। ସେ ସିନୟ ପର୍ବତକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆଜି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଧନୀ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର, ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମାନେ କଣ? ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଜଣକ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ଜଣକର ଏହା ଯୋସେଫର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଶାବକ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଗର୍ଦ୍ଧବୀ। ତାପରେ ରୁଟି ବି ଦେଲେ, ମାଛ ବି ଦେଲେ, ଜଣଙ୍କର କଣ ରହସ୍ୟ? ତାହା କେବଳ ନୁହଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ବି ବସିଲେ ଆର ନିଜର ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆର ପାରିକୁ ମତେ ଟିକେ, ଜଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କବର ପାଇଲେ ଜଣଙ୍କର କବର ନିଜର, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଠନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର କୌଣସି କହି। ଯେଣୁ ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ 10-11 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଆମର କି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ? ସେ ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଅଡିନେରି ନା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଭିତରେ ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ। ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାର୍କ 10 46 ପ୍ରେଇସ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରିୟ
प्रिय भाई बहन माने साधारण भाव सामान्य भाव लोकता को सामान्य मन कर साधारण भाव भावंतु जगत लोक मैंने तथा से महान व्यक्ति यह प्रकाश पाइबा दाऊद संतान जीशु नाम से विख्यात लोक दाऊद संतान जीशु यह साधारण भाव सामान्य भाव तेणु सामान्य भाव लोक मन कले तारी भीतर आउ की रहस्य जीशुर अर्थ अच्छी पर जानवे लोक मैंने आउ गोटे सामान्य कथा शुणु 48 पद मार्ग 10 रो 48 प्रभु दाऊद संतान प्रभु नाजरेतीय प्रभु भाववादी जीशु नाजरेतीय जीशु केवल नुह प्रिय भाई बोल माने से एही प्रकार प्रभु एही प्रकार जीशु तांगर महत्व को जेबे आवरी आमे चिंता करू ताको मु कहिबे नाम देछि कोन माने पिला तो सम्मुखरे उत्तम साक्ष्यदाता जीशु प्रथम तिमोथी 6 वर्गर 13 रु 15 प्रभुंक महत नाम धन्य तेरे पाई हाँ थैंक यू से की जीशु आज्ञा पिलातंग साक्षात करे उत्तम साक्ष्यदाता जीशु से साक्ष्य देवा भाई विचार सम्मुखरे मध्य हटि नांदी मृत्यु सम्मुखरे भी हटि नांदी से उत्तम साक्ष्यदाता पिलातंग सम्मुखरे विचार कर्तांग सम्मुखरे उत्तम साक्षदाता परवर्ती कथा से कि प्रकार एवरी 12 पर्व एक प्रभु नाम नाजरितीय जीशु दाऊद संतान जीशु उत्तम साक्ष्यदाता जीशु सिद्धिदाता जीशु लोकंकु सिद्ध प्रदान करंती कलंकित लोकमानंकु सिद्ध प्रदान करंती सिद्धि प्रदान करंती तेणु से केवल जीशु नहंती जीशुंक संगरे सिद्धिदाता जीशु अटंती मु चाहूची मु चिंता करूची एभली नाम उपरे बारंबार भिन्न भिन्न अर्थ मिलिबा नाम पृथ्वी आओ भिन्न भिन्न अर्थ मिलुथिबो तेणु केवल से जीशु नहंती परवर्ती शब्द देखंदु एभ्री 12 पर्वर 24 पद से जीशु केवल गुहार कुंडरे नुहंती प्रिय भाई एवं भाई माने भिन्न भिन्न स्थान रे से जीशु अटंती आउ नूतन नियम जो स्थापन करा गला तार मछी रे जीशु अटंती ताको कहा जाए नूतन नियम रो मध्यस्थ आगरो परमेश्वर मनुष्य मानकर मध्य रे विच्छेद प्राचीर थिला ताको गोटे नुआ
आओ पद्धति अवलंबन कले विच्छेद प्राचीर हेले केही जाय पारिबे नाय आओ लेबियो मानको छडा केही जाय पारिबे नाय जाजक मानको छडा केही जाय पारिबे नाय एहिदिकी केही आसी पारि न थांदे बाइबल केही धरि पारि न थांदे सर्स करि पारि न थांदे एपरि प्रतिबंधक सबको भांगि देबा भाई एराय देबा भाई नूतन नियमर मध्यस्थ तेणु तांको मा गोटे शब्द तांको व्यवहार करथिले कौन नयन रमणि मोर नंदन रतन निंदे पुनी मा चंद्र को तोहरी बदन नाही नंदन तो परिजने परा अर्थात धरारे पृथ्वी रे सेई परे पुआ जने भी नहांदी के नहांदी केवल से जिसु नहांदी भाववादी जिसु से प्रिय भाई मन मन भाववादी केमती भाववादी सुनंदो केमती भाववादी ठीक है सुनंदो आपण लोक सात पर्वर सौळ केमती जीशु केमती भाववादी जीशु तेणु तांको परि लोक पृथ्वी रे केही नाहंती एथिले समस्त भयग्रस्त हले आ ईश्वरर महिमा कीर्तन करु करु कहिबा को लागिले आंभा मानक मध्ये जन महान भाववादी उत्थित होय छथि एवं ईश्वर अपन लोक मानक प्रति कृपा दृष्टि करय छथि की भाववादी महान भाववादी प्रिय भाई बहन माने जीशु केवल जीशु नहंदी मात्र से केवल नाजरेतीय नहंदी केवल दाऊद संतान नहंदी मात्र भाववादी जीशु केवल भाववादी नहंदी महान भाववादी केवल महान भाववादी नहंदी लुक 24 पर्वर 19 पद देखंदो से की परि भाववादी स्त्री मते से पानी दियंतु गुरु पानी दी पर थांदे किंतु कहले तो स्वामी को जिसों को मत ठकि देबा लोक वर्तमान रेडी अछन दुनिया रे नाय मोर स्वामी नाही बोली जिसो बोल कर पांच स्वामी थेले वर्तमान गुडे स्वामी अछि से मत परमानेंट को से कहले कोनो आपण जहन तेरो से केवल जीशु नंदी जीशु कहियो तो त्राण करता तथापि केवल नंदी प्रकृत भाव रे से एई प्रकार जीशु अटंदी जहन 1:48 के पुनर्बार एई स्तव साधारण भाव में कह गला किंतु से
प्रेज द लॉर्ड केवल नाजोलिति और मुहंदी दा दाऊद संतान नहंदी लोग माने सामान्य भाव रे एटा मन करथले काई कि सामान्य भाव रे मन करथले बोली मु कहिबि आपन को जीसु कहिले लोग दाऊद संतान बोली सामान्य भाव रे कहचंदी एहार कारण गण दाऊद मध्य दिने ताहाकु प्रभु बोली संबोधन करथिले दाऊद जते बेले तांगु प्रभु बोली कहचंदी से दाऊदंकर पुत्र केंदे केवल ना पाए किंतु भीतरे मर्म कारण भावुले जीशु जीशु लोक मैंने साधारण किंतु माथी अठाईस पर्व पांच देखु से जीशु महत्व आषय आप कारण से कृषरे हत हेथिले मध्य मरी जाय कबर रे रही जाय नाहंती हालेलुया से एते बड़ क्षमतार जीशु हले मध्य कृषरे मो पाई आपनक पाई समस्त जनतांग पाई कृषरे मले किंतु से सेठारे नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से जीशु प्रिय भाई भणवाने से जीशुंक आमने बिना मूल्य अनुभव करिबा पाई बिना मूल्य पाइबा पाई कौन सी शर्त नाई अर्थ नाई पूजा नाई पद्धति नाई किछि नाई ए ए अवस्था रे तांगो बिना मूल्य रे त्राणकर्तांगो बिना मूल्य रे पाइबा पाई उद्धारकर्ताको बिना मूल्य रे पाइबा पाई आछि आबे दृढ़ पदक्षेप नेओ आमे जनक परी पदक्षेप नै पारि माने जण माने पंडित मानक परी पदक्षेप के नै पारिबे गुटे देशरु आ गुटे देशकु खोजि 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 एते बेले को से पंडित माने गला बेले को जीसुंगो वर्षे छमास दुई वर्ष पाखापाखि किए जीवो आज्ञा खोजि खोजि घरु गिर्जा को आसला बेलू पारा केन्द्र काशीनगर रु आईला बेलू जथेष्ट किंतु वर्ष वर्ष जीशु को खोजी खोजी ता खोजिले केमिति दुनिया को मुंड खराब करदेबा खोजा खोजिले कौन जिहुदी मानकर राजा प्रेज द लॉर्ड रक्षा ही गिर के जन्म है चंदी दुनिया रे ना हेल जन्म हेला परे रजा बंदी जन्म परे रजा किंतु रजा ही जन्म है बड़ा दुनिया रे नुआ तेरु ए शब्द सुनिला मात्र के हेरो तो मुंडो खराब आ समस्त हलचल कहले चहल पड़े तुम्हें बाइबल खोजो व्यवस्था खोजो शास्त्र खोजो 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 खोजिला बेलको बाहरी पड़िले जे जाने जन्म हबे से महान राजा हालेलुया प्रिय भाई बहन माने तेरो तांको आमे बिना मूल्य रे पाइबा पाई पंडित मानक भलिया वर्ष वर्ष खोजिबा दरकार नाही आमे चौठी विश्वास करूचो सेठी आमेन चौठी हृदय समर्पण करिवो सेठी मिलिवो जो मुहूर्त रे समर्पण करिवे से मुहूर्त रे चला बाट रे हि पाए घरे कारण जक्ष घर भीतर परित्राण उपस्थित आसंतु प्रिय भाई भणवानी प्रभु निकटवर्ती हेपाई प्रभु आहरी आहरी मान को आशीर्वाद करूँ सब बड़े ए नाम परित्राण अनुग्रह समय थी पर्यंत ए नाम रीशु नाम आई राजा मान को राजा नाम हब परमेश्वर पुत्र नाम बर्तमान अच्छी से राजा मान को राजा प्रभु मान प्रभु नाम हब बर्तमान भी से एक प्रकार भाव निजुक्त है सारी जंदी शेष कथा कहि प्रेरित दुई पर्व 36
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ସମାଧିରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସାଧାରଣ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆ ଗଲା ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରେମମୟ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅପୂର୍ବ ଅବକାଶ ମାନି ନେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା କ'ଣ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସନ୍ତା ଦିନର ସେବା ଉପାସନା ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ସବୁରେ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିରାପତ୍ତାର ପରିବେଶ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ବେଶ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା